हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कल्चर के बारे में, यूरिन कल्चर के बारे में। यूरिन कल्चर क्या है, क्यों कराते हैं, क्यों ज़रूरी है, कब ज़रूरी है। सबसे पहले आप सभी को बधाई, अपने 100 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और जो आपने ही दिया है, आपने बहुत सपोर्ट किया है, मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं आशा करूँगा कि आपको आगे भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूँगा, आगे भी आपको अच्छी जानकारी से अवगत कराता रहूँगा। आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, और मुझे कमेंट ज़रूर करते रहिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता है, मोटिवेट होते हैं हम लोग। आशा करूँगा कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। चलिए हम आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यूरिन कल्चर क्या है और ये क्यों कराते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं यूरिन कल्चर क्या होता है। यूरिन कल्चर एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हमें पता लगता है कि पर्टिकुलर कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा पैथोजन, यानी कि कौन सा इन्फेक्शन वहाँ पर डेवलप हो रहा है, ग्रो कर रहा है। मान लीजिए किसी पेशेंट को पेशाब में जलन है, पेशाब में उसको खून आ रहा है, या फिर पेशाब में उसको पेशाब करते समय दर्द हो रहा है, या फिर आपने RM कराया है, RE कराया है, तो वहाँ पर रूटीन एग्जामिनेशन में पता लगता है कि पेशेंट को पस सेल्स ज़्यादा आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें पता लगाना ज़रूरी होता है कि पस सेल्स अगर आ रहा है पेशेंट को, तो कल्चर कराना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता लगाना है कि पस सेल्स क्यों आ रहा है और वहाँ पर कौन सा इन्फेक्शन जो है वो ग्रो कर रहा है। भले पस सेल्स नहीं है, लेकिन पेशेंट को बहुत ज़्यादा समस्या है, पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा है, पेशेंट को ठंड भी लग रही है, यूरिन इन्फेक्शन में पेशेंट को ठंड भी लग रही है। ऐसी कंडीशन में हमें पता लगाना ज़रूरी है कि कौन सा इन्फेक्शन वहाँ ग्रो कर रहा है, इसलिए हम कल्चर कराते हैं यूरिन का, ठीक है। अब यूरिन के कल्चर कराने के समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, और ये स्पेशली कब कराना चाहिए हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऐसे पेशेंट्स जिनको लंबे समय से दवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन कोई भी मेडिसिन उन पर काम नहीं कर रही है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा है, ऐसी कंडीशन में यूरिन कल्चर हम करा सकते हैं पेशेंट का। दूसरा हमें ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट का जो इन्फेक्शन है वो बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि पहले उसको लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन था, धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया, यूरेटर पे पहुंचा, ब्लैडर उसने इन्वॉल्व किया, उसके बाद में फिर उसने यूरेटर को इन्वॉल्व किया, उसके बाद में किडनी तक पहुँच गया, धीरे धीरे वो किडनी को भी उसमें शामिल कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट के सिम्टम्स भी बढ़ेंगे, पेशेंट को कमर में दर्द होने लगेगा, पेशेंट के किडनी की जगह पर दर्द हो सकता है, पेशेंट को पेशाब करते समय ज़्यादा जलन हो सकती है, ज़्यादा दर्द हो सकता है, पेशेंट को पस सेल्स ज़्यादा आ सकते हैं, पेशेंट का जो यूरिन है वो गाढ़ा आ सकता है, कई सारे ऐसे सिम्टम्स हैं। पेशेंट को बेचैनी हो सकती है, पेशेंट को ठंड लग सकती है, पेशेंट को उल्टियाँ वोमिटिंग स्टार्ट हो सकती हैं, कई सारे ऐसे सिम्टम्स हैं। इसके साथ में हमें ध्यान रखना होगा कि ऐसे पेशेंट्स जिनको पता लगाना हो कि वास्तव में कौन सी मेडिसिन काम करेगी, कौन सा इन्फेक्शन वहाँ पर है, कौन सा यूटीआई इन्फेक्शन है, प्रोटीएज है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंगाई है, तो ग्राम नेगेटिव है, ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा इन्फेक्शन वहाँ पर डेवलप हो रहा है, कौन सा इन्फेक्शन वहाँ पर ग्रो कर रहा है, इसका पता लगाने के लिए हमें कल्चर करा लेना चाहिए। अब इसके फ़ायदे क्या है, तो सबसे अच्छा फ़ायदा तो यही है कि हमें पता लग जाता है कि कौन सी मेडिसिन यहाँ पर काम करने वाली है, यानी कि अगर हमने कल्चर करा लिया तो कौन से मेडिसिन हैं जो काम नहीं करेंगी, रेजिस्टेंस हो चुकी हैं, कौन सी मेडिसिन ऐसी हैं जो वहाँ पर काम करेंगी, उस पेशेंट को ठीक करेंगी, उस इन्फेक्शन को ख़त्म करेंगी। इसके साथ में जो दूसरा फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा है कि हमें पता लग जाता है कि पर्टिकुलर कौन सा पैथोजन है, यानी कौन सा बैक्टीरिया है या वायरस है या फंगाई है या प्रोटीज क्या है, सारा हमें वहाँ पर पता लग जाएगा। इसके साथ में हमें पता लगता है कि पेशेंट को ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन है या ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन है, ठीक है। इसके साथ में कई सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो धीरे धीरे ट्रीटमेंट के साथ में उस पेशेंट के ग्रेजुअली कम होते चले जाते हैं, और पेशेंट को रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है, पेशेंट बहुत जल्दी ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसके साथ में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं यूरिन का कल्चर के लिए, तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पर स्किन टच होती है, स्किन का अगर कोई बैक्टीरिया वहाँ पर यूरिन में चला जाता है, तो हो सकता है कि यूरिन की रिपोर्ट आपकी गलत आ जाए, ठीक है। दूसरा, जब भी हम यूरिन का सैंपल कलेक्ट करते हैं, सैंपल जब हमें कलेक्शन करना है, तो ऐसी कंडीशन में उसका जेनिटल एरिया जो होता है वो अच्छे तरीके से साफ उसे कर लेना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है वो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मिड स्ट्रीम का जो क्लीन कैच सैंपल होता है वो लेना है, यानी जब पेशेंट को यूरिन पास आउट हो तो जो स्टार्टिंग के 10-12 ड्रॉप्स हैं उसको नहीं लेना है, और जो लास्ट की जो ड्रॉप्स हैं
उसको भी हमें नहीं लेना है। जो बीच में जो यूरिन का मिड स्ट्रीम है उसे हमें कलेक्ट करना है, 3 से 5 ml, 4-5 ml का आसपास हम उसे कलेक्ट करते हैं। तो ये हुई यूरिन कल्चर के बारे में। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, उस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मोटिवेट करने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमें एक नए नए टॉपिक्स भी मिलते हैं। और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए, आगे बढ़ते चलेंगे और अच्छे अच्छे टॉपिक्स हम डिस्कस करते रहेंगे। मेरे पास अभी काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स थे जिनके टॉपिक्स मेरे पास होल्ड हैं, मैं धीरे धीरे उनकी वीडियोज़ भी बनाने की कोशिश करूँगा और कोशिश कर रहा हूँ। सो आई होप कि वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और कुछ ना कुछ सीखते रहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जहाँ से आपको नॉलेज मिलती है वहाँ से सीखते रहिए। किसी के भी चैनल हो, लेकिन नॉलेज आपको अच्छी मिले, जानकारी आपको अच्छी मिले, ऑथेंटिक जानकारी मिले, बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। हमारा जो चैनल है वो 100K पर पहुँच गया है, और आप सभी को बधाई, आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।